रेशनल नंबर्स का जब हम डिसिमल एक्सपेंशन करते हैं, यानी डिसिमल के रूप में जब उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो दो तरह का डिसिमल एक्सपेंशन हम लोग को देखने को मिलता है। एक होता है टर्मिनेटिंग डिसिमल और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डिसिमल। तो इस वीडियो में हम लोग टर्मिनेटिंग डिसिमल डिस्कस करने वाले हैं और नेक्स्ट वीडियो में नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डिसिमल को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टर्मिनेटिंग डिसिमल्स के कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे, फिर हम लोग जानेंगे कि किसी भी रेशनल नंबर को बिना डिवाइड किए हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि वो रेशनल नंबर का डिसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा। दैट मीन्स कि वो रेशनल नंबर डिसिमल एक्सपेंशन करने पर टर्मिनेटिंग डिसिमल होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल होगा। 3/8 इक्वल्स 0.375, 13/125 इक्वल्स 0.104, उसके बाद है 7/80 इक्वल्स 0.0875, और लास्ट है 14,588 डिवाइडेड बाई 625 इक्वल्स 23.3408। क्लास 10th चैप्टर 1 थ्योरम 1.6 में कहा गया है, लेट एक्स इक्वल्स पी बाई क्यू बी अ रेशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज ऑफ द फॉर्म 2 to the power m इंटू 5 to the power n, वेयर m एंड n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, देन एक्स हैज अ डिसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट्स। इसका हिंदी में मतलब समझ लेते हैं। मान लीजिए कि कोई रेशनल नंबर एक्स है और हम लोग जानते हैं कि रेशनल नंबर को पी वाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए मान लेते हैं कि कोई रेशनल नंबर एक्स है, मीन्स एक्स बराबर पी वाई क्यू है, जिसमें क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर 2 to the power m इंटू 5 to the power n के रूप में आएगा, जहां m और n नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होगा। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब है कि ये जो m और n है वो नेगेटिव नहीं होगा, यानी माइनस में नहीं होगा, है ना। m का वैल्यू और n का वैल्यू 0 हो सकता है, 1, 2, 3, 4, यानी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है और 0 हो सकता है, नॉन नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है, यानी नेगेटिव नहीं होगा। तब एक्स का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर जाएगा। इसका मतलब है कि अगर क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर 2 का पावर m 5 का पावर n के रूप में अगर आ जाता है, और जहाँ पे m n दोनों क्या होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा, तब एक्स जो रेशनल नंबर हमारा था वो टर्मिनेट कर जाएगा, यानी उसका डेसिमल एक्सपेंशन जब हम करेंगे तो टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। अब जैसा कि एग्जाम्पल था 3/8, अब यहाँ पे क्यू की जगह क्या है, 8 है, और 8 का अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 × 2 × 2 आता है, दैट मीन्स के 3/2 का पावर 3 आ गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या आया, 2 का पावर 3, यानी 2 to the power m, मीन्स m की जगह क्या आ गया, 3 आ गया। तो इसका मतलब है कि ये आपका टर्मिनेटिंग डिसिमल होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर 5 आया ही नहीं, ठीक है, लेकिन हम लोग इस तरह से तब तक लिख सकते हैं ना 5 का पावर 0, क्योंकि हम लोग पहले ही जानते हैं कि n जो होगा, यानी जो पावर n है, n क्या होगा, वो नॉन नेगेटिव होगा, तो 0 नॉन नेगेटिव है, 0 नेगेटिव थोड़ी है। किसी भी नंबर का पावर 0 होने से वो नंबर 1 हो जाता है, तो यहाँ पे 2³ × 1 तो वही नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल हम लोग का था 13/125, और इसको जब हम लोग क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये आ जाएगा 13, और ये क्यू का, बस क्यू का नीचे वाले का करना है, तो ये हो जाएगा 5 × 5 × 5, दैट मीन्स कि 13/5 का पावर 3, तो यहाँ पे 5 का पावर 3, एन की जगह पर 3 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से जब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, और यहाँ पे 2 नहीं आया तो 2 का पावर 0 ले सकते हैं। तो इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन करके हम लोग पता लगा लेंगे कि ये नंबर टर्मिनेटिंग होगा कि नहीं होगा। तीसरा एग्जाम्पल था हमारा 7/80, अब 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 5, ठीक है, क्योंकि नीचे ही वाले का करना है, तो ये हो गया 7/2 का पावर 4 × 5 का पावर 1। तो यहाँ देख सकते हैं आप 2 का पावर 4, यानी 2 का पावर m जैसे था, तो m की जगह पे 4 और n की जगह पे 1 आ गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डिसिमल। आई होप कि ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें।